अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रॉस किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। और आपने अगर अभी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। तो आज मैं आ गई हूँ लेके बहुत ही यूज़फुल एक वीडियो। तो ये है व्हिप क्रीम की वीडियो, जिसको हम सभी को इसकी ज़रूरत होती है कि कैसे हम इसे ऐसी बनाएं कि ना ये फटे ना ही ये पिघले और एकदम बेस्ट हमारी व्हिप क्रीम बनके घर में तैयार हो। तो मैंने ये लिया है डिलाइट कंपनी का 1 kg का पैक लिया है मैंने व्हिप क्रीम का। नॉन डेयरी टॉपिंग है ये, और आपको हमेशा याद रखना है कि नॉन डेयरी टॉपिंग ही यूज़ करनी है। अमूल वाली जो आती है आप यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता दूं क्लियरली कि वो इतनी बेस्ट नहीं होती है। तो मैंने ये इसके अंदर 1 cup ले ली है, नॉर्मल 1 cup है जो हम घर में दूध वगैरह पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको फ्रिज से आउट कर लिया था और मैंने इसमें से इसका 1/4 पार्ट निकाला है, क्योंकि ये 1 kg है तो इसका खाली सिर्फ 1/4 पार्ट निकाला है मैंने, क्योंकि हमारा 1 kg का केक इतनी व्हिप क्रीम में बन जाएगा काफ़ी अच्छे से। तो हमें ये श्योर करना है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आइस क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए, हमें इसे रूम टेम्परेचर किचन पे छोड़ देना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, जिससे कि हमारी क्रीम बिल्कुल आइस क्रिस्टल से फ्री हो जाए। जब मेरी क्रीम आइस क्रिस्टल से फ्री हो गई थी तब मैंने इसको व्हिप करना शुरू किया है। और नीचे मैंने आपने देखा होगा कि एक बर्फ़ का प्याला रख लिया है जिसमें बर्फ़ डाल लिया है, क्योंकि जितना हमारी जिस प्याले में हम कर रहे हैं वो ठंडा होगा और हम नीचे बर्फ़ रखेंगे तो हमारी व्हिप क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप्ड हो जाती है, बहुत ही इजी वे में व्हिप्ड हो जाती है। तो मैंने शुरू में 1 speed ही रखी है इसकी, 1 number speed रखी है, और बाद में जैसे ही मेरी क्रीम में थोड़े स्टिफ पीक्स उठने लगे हैं अभी हल्के हल्के, तो मैंने इसको तेज़ कर दिया है। तो मेरे में 4 number हाई स्पीड है तो मैंने 4 number कर दिया है। और ये देखिए कुछ ही मिनट लगे थे मुझे, सिर्फ समझ लीजिए आप 5 से 6 minutes, और इतने में मेरी क्रीम बेस्ट तरीके से व्हिप्ड हो गई है। जबकि मैं किचन में काम कर रही थी और गर्मी भी थी तब भी, क्योंकि हमेशा याद रखें कि बर्तन ठंडा होना चाहिए आपका बर्तन, और अगर मौसम भी गर्म है तो आप नीचे एक बर्फ़ का प्याला रख लें, उससे आपकी क्रीम बहुत अच्छी बनेगी। और फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि ये क्रीम इतनी बेस्ट होती है, ना ही तो आपको इसमें कोई आइसिंग शुगर डालनी है किसी भी तरह की, ना ही आपको इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है। हाँ अगर आप कोई और फ्लेवर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इस बात की गारंटी है कि ना तो ये फटती है ना ये पिघलती है और बेस्ट वर्क करती है ये। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक अपना केक का शॉट भी डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसी से डेकोरेशन किया है जो क्रीम आपके सामने व्हिप की थी। तो फ्रेंड्स उसे आप देखिएगा ज़रूर, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये 1 kg की क्रीम थी, ये 4 बार हमारे यूज़ में इजीली आ सकती है, 4 बार हम 1 kg का केक बना सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।